रही है संजय दत्त की वाहवाही। शमशेरा के सेट पर ऐसा क्या किया संजू बाबा ने? जी हाँ, शमशेरा रिलीज होने वाली है और स्टार कास्ट से लेकर फिल्म के डायरेक्टर तक फिल्म के प्रमोशन में सुपर बिजी चल रहे हैं। अब ऐसे में शमशेरा के डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में संजय दत्त को शमशेरा का असली हीरो बता दिया है। जी हाँ, संजय दत्त ने फिल्म शमशेरा के सेट पर कुछ ऐसा काम कर दिखाया था कि सेट पर मौजूद सभी स्टार कास्ट ने संजय दत्त को सलाम किया था और अब उसी इंसिडेंट को याद करते हुए फिल्म के डायरेक्टर करण मल्होत्रा ने संजू बाबा को सुपर हीरो बता दिया है। फिल्म के डायरेक्टर ने खुलासा किया कि संजय दत्त ने अपनी बीमारी के बारे में किसी को बिना बताए गुपचुप तरीके से फिल्म की शूटिंग कंप्लीट कर रहे थे। दरअसल शमशेरा के डायरेक्टर करण मल्होत्रा ने संजय दत्त को सुपर हीरो के कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि संजय दत्त 2020 से कैंसर से फाइट कर रहे हैं और इसी बीच अपने बीमारी के साथ एक्टर ने शमशेरा की शूटिंग कम्प्लीट की थी बिना किसी रुकावट के। डायरेक्टर करण मल्होत्रा ने एक इंटरव्यू में कहा, ये खबर जब सामने आई तो ये हमारे लिए शॉकिंग थी क्योंकि हमें इसकी जानकारी नहीं थी। खतरनाक बीमारी से घिरने के बावजूद संजय अच्छे से बात करते थे, फिल्म की शूटिंग ऐसे कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इतना ही नहीं, शमशेरा की शूटिंग के वक्त संजय ने कभी नहीं कहा कि मेरे से ये नहीं हो पाएगा। उनके साथ पर्सनली कुछ भी हो रहा हो, लेकिन संजय सेट पर मूड लाइट करते रहते थे। हालांकि अब शमशेरा के डायरेक्टर करण ने संजय दत्त के कैंसर फ्री होने के बाद उन्हें सुपरमैन बता दिया है। उन्होंने कहा कि संजय ने स्माइल के साथ ये जंग जीती है, उनके जैसा कोई नहीं है। मैं शमशेरा में उनके सपोर्ट और डेडिकेशन के लिए हमेशा कर्जदार रहूंगा। वेल, ऐसे में ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि संजय दत्त शमशेरा के असली शेर हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।